बृहस्पतिवार व्रत कथा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पिरिचुअल पावर पर। दोस्तों, आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाने वाले हैं, तो चलिए हम चलते हैं अपनी कथा की तरफ। सबसे पहले हम व्रत का महत्व जान लेते हैं। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों के पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता अन्न पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि सारा धन ही नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बहुत ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएँ बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुआं कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक की सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूँ तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धोने देना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार सात बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते ही केवल तीन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य ही नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानियाँ और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को सात दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर पेछर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का तो पता विपत्ति में ही रखता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथाशुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सिर पेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे
खड़ा भेजरगा भरा मिल गया। उसे बहुत ही हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनत्काशी विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुनना चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन भी देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिनाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार डाल सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसको कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती, वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी, पर बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती और अपने हाथ में मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ करती, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी,
सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल से निकली। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया था? कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है। मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गई और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह स्वर्गों को चली गई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्गों को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि स्कूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हुआ कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करना जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उस जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक भाग तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसका भाग और धर्मशाला थे। नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई।
तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रुककर कहने लगा, अरे भाइयों मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करते हो खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसको चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हृदय जोत दूंगा, या अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई, उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले, तो बहन बोली, ही भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते बाद में अन्य कार्य करते हैं, अगर पड़ोस में कोई हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निशंतान हैं इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कब वह बिना भोजन आदि किए सया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को ध्यान दो, तेरी तुम्हारी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। बृहस्पति अद्भुत कथा समाप्त हुई।